उनको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। You know it, right? वो सब तो बाद की बात है, पहले तुम ये बताओ। Why should I do it? अब इसमें कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं, जस्ट डू इट फॉर ओल्ड टाइम सेक। ओह, फॉर ओल्ड टाइम सेक? हाँ। या। पिछले महीने जब मैंने तुमसे फेवर मांगा था, तब ओल्ड टाइम्स कहाँ गए थे? हम्म? तुम पागल हो गई हो। यू वांटेड टू हैव सेक्स विद मी, और मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कह रहा हूँ। फर्क है। क्या फर्क है? तब मैं डेस्परेट थी, आज तुम डेस्परेट हो। ये घटिया रीजन दे के अपने आप को सही प्रूव मत करो प्लीज। एंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंटरव्यू लिखूंगी। थैंक्स। एक मिनट। आ गया वो एक मिनट। अब ये स्ट्रिप्टीज बंद करो प्लीज पहले। मेरे दो कंडीशंस हैं। पहले तो तुम मुझे अपने साथ इंटरव्यू के लिए ले जाओगे। And you will mention my name on live TV and give me credit for it. क्या कह रही हो? मैं सड़क के पिल्ले का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। बात की सीरियसनेस को समझो। I'm going to interview D यार। It's risky. ठीक है। तो फिर मुझे और भी काम है। I'll see you sometime. सुनो। Okay. Good. अब second condition. अब कुछ नहीं। Done. और कुछ नहीं। इंटरव्यू के बाद आई वॉन्ट यू फॉर वन नाइट। आर यू क्रेजी? देख लो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। मैं इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज राइटर। नो नो, यू कैन थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो। सुनो। ओके। रियली? अब जान तो दांव पे लगा ही चुका हूं, इज्जत भी सही। सोचा नहीं था आपके साथ ऐसे सिगरेट पीऊंगा कभी। सिगार ट्राई किया है? नहीं, मेरे गले में लगता है। तू जानता है मैंने इंटरव्यू के लिए हाँ करने से पहले तुझसे इंटरव्यू की स्क्रिप्ट क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे लगता था कि तू बीवी बच्चों वाला आदमी है, बीवी के मरने के डर से थोड़ा हद में रहेगा, औकात में रहेगा। लेकिन मैं भूल गया था कि ये मीडिया वाले कब औकात में रहते हैं। चल रिलैक्स हो जा, आगे का इंटरव्यू हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन जरा हद में रहना, वरना लाइव टीवी पे डॉन का इंटरव्यू है, कुछ भी हो सकता है। क्या समझे? हाँ। जी सही बात है। अच्छा ओके। लास्ट लेग है इंटरव्यू का, लेट्स मेक इट काउंट। दिस इज योर रिवाइज्ड ड्राफ्ट फॉर द फाइनल सेगमेंट। यस। जस्ट शो हिम हिज प्लेस अर्णव। वेलकम बैक टू वन ऑन वन विद मी अर्णव घोष। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए, जहां पे कुछ और इनकन्वीनियंट सवाल मिस्टर डी से पूछेंगे। आर यू रेडी? आपकी बातों से लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे है। सो कंधार में जो हाईजैकिंग हुई थी, उसके पीछे आपका हाथ था? ये लो। हद है यार। अब तुम ये भी कहोगे कि वो मलेशिया वाले हवाई जहाज भी मैंने गायब करवाए थे? मैं नहीं कहूंगा, बट गल्फ के न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है। हाँ, ये रिपोर्ट सही कहती है। सो आप ये फैक्ट बता रहे हैं फिक्शन? अब मैंने जो बता दिया, जो समझना है वो समझ ले। मिस्टर डी, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल इन माय क्वेश्चन। सो यू आर सेइंग दैट यू वर बिहाइंड द डिसअपीयरेंस ऑफ टू मलेशियन प्लेन्स इंक्लूडिंग MH370? इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स। गर्माने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि फ्लाइट डिसअपीयरेंसेस In Malaysia have been engineered by you, and you asking me to calm down? अरे मेरे भाई, ये सब मीडिया का बनाया हुआ बुलबुला है। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? दरअसल क्या हुआ कि मुझे कुआलालंपुर से कराची की फ्लाइट में बैठना था, है ना?
और सालों ने मुझे बीजिंग की फ्लाइट में बिठा दिया। अब मेरी क्या गलती है बताओ? मुझे अपने भांजे की शादी पे जल्दी पहुंचना था तो फ्लाइट को डाइवर्ट करके लाना पड़ा। वो खड़ी है पीछे, देख ले। अब आप ये भी कहेंगे कि फ्लाइट के जो पैसेंजर्स है वो भी यही है? तो तुझे क्या लगता है इतने नौकर चाकर मेरे घर में शुरू से हैं? And what about the second Malaysian plane? अरे यार, तू भी हद करता है ना भाई अर्नब। देख, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद मैं कोई पागल हूँ कि जो उसी फ्लाइट में दोबारा ट्रेवल करूंगा? No wonder के FBI के टॉप 10 क्रिमिनल्स लिस्ट में आपका नाम भी है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है भाई अर्नब, मैं नंबर 1 हुआ करता था, 3 साल में खिसकते खिसकते नंबर 6 पे आ गया हूं। कल के मेरे सीखे हुए लौंडे लिस्ट में टॉप पर बैठे हुए हैं। क्या जमाना आ गया यार। आप तो सेंटिमेंटल हो गए। कोई बात नहीं, हर किसी का दिन आता है। लगता है वो सेंसर वाली बात आप पर लागू नहीं होती है। हाँ होती है मिस्टर डी, लेकिन कभी कभी मैं भी सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। आई एम श्योर आपके पास वापस नंबर 1 बनने का प्लान तो होगा ही। हाँ प्लान तो है। आपको लाइव टीवी पे गोली से उड़ा दूं तो रातों रात नंबर 1 बन सकता हूँ। आपने फिर गुंडों वाली बात कर दी। बोलने और करने में फर्क होता है मिस्टर डी। माय हीरो। फाइनली ऑन पॉपुलर डिमांड एक और लास्ट क्वेश्चन। पॉपुलर डिमांड? डांस वांस तो नहीं करना पड़ेगा ना? आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपके फेसबुक ट्विटर पे बहुत से फेक अकाउंट्स हैं, आए दिन आपका मजाक उड़ता रहता है उन पे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सही बोल रहा है। हाँ ऑफ कोर्स। एक अकाउंट तो एग्जैक्टली आपके नाम पे आए दिन स्टेटस अपडेट, चेक इन, शेयर, ये सब चलता है। क्या दिखा जरा, कौन सा अकाउंट है दिखा? ये? Yes. What's the matter? आपको अपने ही मजाक पे हंसी क्यों आ रही है? ये तो मेरा ही अकाउंट। ये गिरदारी संभालता है। दिखा गिरदारी दे जरा। ये देख ये देख ये देख। मैं मलेशिया गया था तो वहां के होटल में चेक इन किया था। ये देख। और एक बार क्या हुआ, मैं बड़ा दानिशमंड टाइप का, मतलब ऐसे फिलोसफर जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे, तो मैंने ही कहा था ये स्टेटस डालने को। देख 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 देख, ये पीएम की बेटी की शादी पे गया था, वहां डिनर की फोटो डाले हुए हैं। देख गिरदारी, फेसबुक का मुंह दूरदर्शन जैसा हो गया। गिरदारी ये तो तूने उस पर भी डाले थे ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो ग्राम पंचायत भाई। ग्राम पंचायत? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। पिटने वाले का मत किया कर। ओके एक लास्ट क्वेश्चन, आप इंडिया छोड़ के क्यों भाग गए? मैं कहां भागा, मैं तो वैसे ही बिजनेस बढ़ाने के लिए दुबई सेटल होने वाला था। बदकिस्मती से ब्लास्ट हो गए और आप लोगों को लगा कि मैं भाग गया। तो फिर आप अपने लोगों को इंडिया में अकेले क्यों छोड़ गए? या फिर आपका पहले से प्लान था बाहर अकेले सेटल होने का? दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी की भी परवाह नहीं होती और बिजनेस के लिए घर से दूर चले जाते हैं, दैट्स फाइन। अर्नब, इस बार मोबाइल पे ट्रेलर नहीं, लाइव शूटिंग दिखाऊंगा। तू मुझे क्या ट्रेलर दिखाएगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। ए, जबान संभाल के। ए, तू चुप कर। अपने देश में तेरी हवलदार बनने की औकात नहीं है। यहां तो राइट हैंड बना घूमता है, राइट हैंड से पता नहीं क्या करते हैं। गिरदारी रहने दे, वैसे ही बहुत गोलियां महंगी हो गई हैं, क्यों वेस्ट कर रहा है? रहने दे डी, तुझे मैं बताता हूं तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये 200 बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब तूने इसलिए लगाया है क्योंकि तू डरता है। अपने सिक्योरिटी से लदे घर में बैठ के तू सारी दिलेरी की बातें कर रहा है। अबे तू इतना बड़ा डायनेमिक डॉन है तो वापस आके दिखा। यहां से दिल्ली 1100 किलोमीटर दूर है, लेकिन तू वहां नहीं जा सकता। नैरोबी जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, यहां तक के पूरी दुनिया के पासपोर्ट अपने पास ला सकता है, मगर कभी दिल्ली नहीं जाएगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू किसी का नहीं है, ना तू अपने घर वालों का है, ना अपने देश वालों का। जिस देश ने तुझे पैदा किया उसी देश के 257 लोगों की तूने जान ले ली। जिस मोहल्ले ने तुझे बड़ा किया अपना मान के, वो आज तेरी वजह से पुलिस और कचहरी के चक्कर काट रहा है।
मगर तू सोचता है कि तू डॉन है, तू भाई है ना। तेरे भाई को हमारे देश में भी 6 महीने पहले फांसी पे चढ़ा गया, याद है? बचा लेता। तू डरता है अपने खुद के क्रिमिनल रिकॉर्ड से, और इतना डरता है कि अपने क्राइम के लिए तूने अपने भाई को सूली चढ़ा दिया। ये देख, ये वो सीढ़ी है जिसे मैं अभी चला दू ना, तो 5 मिनट लगेंगे ये प्रूव करने में कि जितने इल्जाम तुझ पे लगे हैं वो सारे सही हैं। तुझे फिल्में देखने का शौक है ना, चल इस सीढ़ी को मिलके देखते हैं। तू नहीं देखेगा क्योंकि तू आज तक अपने आप से भागता है। अरे डॉन वो होते हैं जो सीने पे इल्जाम लेते हैं और साफ साफ बोलकर या तो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाय करते हैं। तेरी तरह रैंडम फैंटेसी स्टोरीज के पीछे छिपते नहीं फिरते। पर क्या करें, तू तो है ही डरपोक। अब तेरी बाकी की जिंदगी तो अपने इन इल्जामों से भागेगा, और जब तू मरेगा तो कब्रिस्तान में दफ होने के डर से तू भागेगा, क्योंकि वहां तेरे और तेरे गुनाहों के बीच में पर्दा नहीं रह जाएगा ना। ये तेरी किस्मत है डी, तू डॉन नहीं फ्रॉड है। वाह अर्नब। मैंने कुछ नहीं किया। हथियार दे, हथियार दे, तू भाई को संभाल। मगर गिरधारी भाई, इसने भाई को मारा है। अरे नहीं, इसे दाहिने हाथ का हिसाब हमको लेना है, तू संभाल इधर। बाहर निकल, बाहर निकल। पागल कर दिया। अरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। आ जाओ बाबा, आ जाओ। दिल का दौरा तो पड़ना ही था। चलो, जाने का टाइम हो गया, चलो। अरे दिल बड़ा है ना। ओके बाय। चलो 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 चलो। भाई भाई भाई, उफ। ए जल्दी चल, चल चल। ए बताओ तुझे दाहिना हाथ क्या करता है? दाहिना हाथ ट्रिगर दबाता है, तमाचा लगाता है, गोली चलाता है, फूंक देता है। स्पीच मत दे, खत्म कर। चलो भाग जाओ, 500 मीटर दूर हमारे आदमी मिलेंगे, तुझे तेरे घर तक महफूज पहुंचा देंगे। क्या बात कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो, आई एम नॉट बिलीविंग इन वायलेंस नाउ, आई एम बिलीविंग इन लव। तू मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, चलो चलो भागो। अलविदा निया जी, पीछे मुड़कर मत देखना। न्यूज ब्रेक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। शब्दों के बाण ले गए डी के प्राण। आज की सबसे पलंग तोड़ खबर यह है कि हमारे स्टार रिपोर्टर अर्नब घोष ने कुख्यात डॉन डी को घर में घुस के मार दिया। देश भर में भूचाल सा आ गया है। तुम तो ओवरनाइट स्टार बन गए बेबी। मैं तो पैदा ही सुपरस्टार हुआ था। या राइट। अच्छा, I wanted to tell you something. बोलो। तुम्हें पता है ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत टफ और चैलेंजिंग था, you know right? मुझे बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़े। I know. एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। I know. You don't know. Are you telling me you have to compromise with D? नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं। फिर क्या यार, कुछ भी चलेगा। I don't think so. What do you mean? Actually, I'll have to sleep with Neha for one night. What do you mean you have to sleep with Neha for one night? Only one night. What rubbish is that? Only one. So you have guts to tell me this? Not two. You have a pregnant wife. You're a rascal. You're such a creep. Say sorry. Say sorry. Sorry. One more time. Only one. Sorry. Only one, right? Say sorry. Sorry. You're such a creep, yeah. Okay, okay. I'm going to the doctor. Itne mein? Aur suno. Celebration is due tonight. Not bad. बचा रोहन के दौरान अब सबसे बड़ी
हेलो अर्नब भाई कहूँ या सीनियर एडिटर मिस्टर अर्नब? हेलो, अरे मैंने कहा सलाम अलैकुम अर्नब भैया। डी? अरे डी तो हुआ करते थे। आपकी बात डेविड इद्रीस कालेमैन से हो रही है। वक्त आ गया है वो करने का जो हम बरसों से करना चाहते हैं। जी भाई जैसा आप कहें। मैं हार्ट अटैक का नाटक करके गिर जाऊंगा जी, और तू इन सब को महफूज इंडिया पहुंचा देना, ठीक है, ताकि ये मेरे मरने की खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना सके। जी भाई, और आप इस जिंदगी से आजाद भी हो जाएंगे। हाँ गिरधारी, मैं इसे लाइव टीवी पे मारना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि एक मौका है, उसको मैं ऐसे ही फिजूल का एक मर्डर करके जाया कर दूं, या फिर अपने लिए नई जिंदगी को जन्म दूं, क्या समझे? तुझे पता भी नहीं चला और तू डी की शतरंज का मोरा बन के रह गया। बहरहाल आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहा हूँ। तेरा एहसान है मुझ पे। कभी कोई छोटा मोटा प्रमोशन या पैसे वैसे की जरूरत हो तो याद करना, मना नहीं करूंगा मैं। ये क्या है कर रहा है, सदमा दिल पे ले लिया क्या? नहीं सॉरी यार, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ना हंसूं बट। ए यार यार किसको बोल रहा है भाई, जानता ना किससे बात कर रहा है? डेविड इब्रिस कालेमान से। यार एक्चुअली मैंने अपने मीडिया के करियर में एक से एक नायाब देखे, पर तुझसे बड़ा तो सबका बाप निकला यार। तुझे पता है तूने आज क्या किया? तूने वो काम कर दिया अपनी होशियारी से जो इतने सालों से सारा इंटरनेशनल पुलिस और इंटेलिजेंस नहीं कर पाई। तूने आज अपने हाथों से डी को मार डाला। तू अपने आप को रिमोट कंट्रोल समझता है ना? हाँ? आज तू बिना टीवी के खटारा रिमोट है, मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। तेरी स्टोरी कमाल है यार। तू इंडिया में पैदा हुआ, फिर तू वहां से दुबई चला गया, फिर दुबई में इंटरपोल के डर से तू पाकिस्तान भाग गया, फिर तू इतना डर गया कि तू पाकिस्तान तो क्या वर्ल्ड मैप से ही गायब हो गया। कमाल है भाई, मानना पड़ेगा हर इंसान को अपने वजूद अपनी आइडेंटिटी से प्यार होता है, पर तूने तो अपनी पहचान ही खुद मिटा दी। सुपर यार। Honestly, but I am grateful to you. तूने मेरे देश को अपने हैंगओवर से आजाद कर दिया, टोटल फ्री। बट तेरा डर तो हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस की वजह से पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन तूने अपने नाम का डर था उसको भी खत्म कर दिया। सुपर। डी इज गॉन। देख मेरे कार्ड। आप कमाल हो। आई एम श्योर इस वक्त आप किसी अम्यूजमेंट पार्क के सामने एक टिकट की लाइन में रेड हैट पहन के खड़े होंगे, बट मेरी हंसी से पेट में बल पड़ रहे हैं। हाँ अब आप मुझे इजाजत दे, मैं रखता हूं। ओके लेकिन एक मिनट, आज डेट पता है ना आपको क्या है? 15 अगस्त। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज के दिन आप हमें अपने से आजादी दिलवाओ। चलो अब इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी रियल लोगों के साथ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो 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 हेलो, क्यों भाई? ये वो छुट्टा मांग रहा है। ए छुट्टा रखा कर, समझा? जानता है मैं कौन हूँ? डी। चलना भाई है। जब से वो मरा है सब अपने आप को डी समझ रहे हैं। वो देख आने वाली पिक्चर कॉफी विद डी। भाई आजा भाई। Ha 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 ha